मैं ससुराल जा रही हूँ, चाहे पति मारे या काटे। ये आखिरी शब्द हैं देसी यूट्यूबर मालती चौहान के, जो अपने देसी स्टाइल में वीडियो और रील्स बनाने के लिए मशहूर थी, जिनकी संदिग्ध हालत में बीते दिन मौत हो गई। पुलिस ने मालती चौहान के शव को अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं मालती चौहान के पिता ने मालती चौहान के पति विष्णुराज के खिलाफ थाने में तहरीर देकर हत्या का आरोप लगाया है। परसों लेकर के आया घर से, बाला फुजला के कल बात हुआ हमारा मालती से, कोई वो नहीं था। शाम को बड़ी बेटी से बात हुआ तो ये झगड़ा कर रहा था दौड़ दौड़ के। फिर रात को बहू से बात हुआ है, वो बहू को बोली है कि सुबह फोन करना, सुबह ये खबर आ रही कि वो फांसी लगा के मर गई, वो उसको मारा गया, मर नहीं गई, वो मारा गया है, उसे ये मारा है, विष्णु मारा है रास्ते से हटाने के लिए, वही मारा है। कितने दिन पहले आई है यहाँ पे? अभी परसों आई है, दो दिन पहले आई है। आई तो क्या कुछ बताई जब फोन करके, कैसी यहाँ पे आई थी, कैसी? बिल्कुल ठीक थी सब कुछ। रात कल झगड़ा ये कर रहा था, दिन में आया करके स्टूडियो से दौड़ दौड़ के इसको मार दिया। क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं इसकी जैसे हत्या हुआ साला ये भी जेल काटे, ये भी इसकी उम्र कैद हो जाए, तो किसी काम लायक ना रहे। बता दें कि मालती चौहान कम समय में देसी स्टाइल में रील्स और वीडियो बनाकर फेमस हुई थी। वो अपने पति के साथ यूट्यूब पर एक्ट करते हुए लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो गई थी। मालती गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से एक मुकाम हासिल कर लिया था। हालांकि पति पत्नी के बीच कुछ महीने पहले विवाद भी हुआ था, जिसकी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हुई थी। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए वीडियो डाल रहे थे। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि मालती चौहान कोतवाली क्षेत्र के उमरीकला गांव की रहने वाली थी, जिसकी शादी महुली थाना क्षेत्र के काली जगदीशपुर निवासी विष्णुराज से 2020 में हुई थी। लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब विष्णुराज और उनकी पत्नी मालती के बीच में अर्जुन वर्मा नाम के एक युवक की एंट्री हुई, जिसको लेकर 3 माह से विवाद चल रहा था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे पर प्रेम प्रपंच और अवैध संबंध बनाने का आरोप लगा रहे थे, जिसकी वीडियो भी दोनों लोग यूट्यूब और फेसबुक पर डाल रहे थे। मामला कई बार थाने पर भी जा चुका था। 15 दिन पहले विष्णुराज ने मंदिर में मालती चौहान की अर्जुन वर्मा से शादी भी कराई थी, लेकिन 1 सप्ताह पहले दोनों में सुलह समझौता हो गया था और घटना के 2 दिन पहले मालती चौहान अपने ससुराल काली जगदीशपुर पहुंची थीं। और बीते दिन मालती चौहान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई। मालती चौहान का शव उनके कमरे में पंखे से लटके हुए मिला है। वहीं अब घटना के बाद पुलिस इस पूरे मामले में पति विष्णुराज को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर जांच की है। घटना की जानकारी देते हुए क्षेत्र अधिकारी ब्रजेश सिंह ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा। मामले में जो तथ्य सामने निकल कर आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये थाना मोहली के अंतर्गत ग्राम काली जगदीशपुर है, जिसमें मालती चौहान, जिनकी शादी विष्णुराज से करीब 5 वर्ष पूर्व हुई थी, सुबह इनकी मौत इनके घर में ही हो गई है, जिसपे उनके पिता तहरीर थाने में दे रहे हैं, जिसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जाएगी। पूरे प्रकरण में प्रथम दृष्टया पति पत्नी के बीच विवाद पाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति क्लियर हो पाएगी कैसे उसकी हत्या की गई है महिला की। मौके पर फोरेंसिक टीम भी आई थी, उसने भी साक्ष्य एकत्रित किए हैं। साक्ष्यों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। पे बताया जा रहा है कि यूट्यूबर थी और काफ़ी सक्रिय रहती थी, तो इस मामले को बहुत गंभीरता से देखा जाएगा। फिलहाल मामले में पुलिस की तफ्तीश जारी है। प्राप्त शिकायत के आधार पर 304B के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस को उम्मीद है कि मामले में जल्द बड़ा खुलासा किया जाएगा, साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह साफ हो पाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए संत कबीर नगर से मिथिलेश कुमार धुरिया की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।